बोट ब्रांड की तरफ से आप बोल सकते हैं बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस नेक बैंड, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नेक बैंड है इनकी तरफ से। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी इसके बारे में, अगर आप ध्यान देंगे तो अमेजोन पर और बोट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो फीचर्स मेंशन किए गए उसमें आपको 40 आवर्स का प्ले टाइम क्लेम किया गया है और ऐसे कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मेंशन नहीं किया हुआ है और कहीं कहीं आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा। लेकिन अब बोट ने क्या किया है, इसका अपग्रेड कर चुके हैं ये वाला वर्जन। अगर आप अमेजोन से या बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको परचेज करेंगे तो आपको अपग्रेडेड बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस मिलने वाला है। इसमें आपको 50 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलेगा और सिंगल चार्ज पर, और साथ ही में इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड बीस्ट मोड मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलने वाला है। एनहांसमेंट दी गई है साफ साफ फीचर्स पार्ट को लेकर और इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 1500 रुपए के आसपास। और हम इस वीडियो में जो नया वाला वर्जन है अपग्रेडेड वर्जन है इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे बॉक्स के अंदर कॉन्टेंट, सब हम टेस्टिंग करेंगे, म्यूजिक बेस कॉलिंग गेमिंग सब टेस्ट करेंगे ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाएं कि 1500 के हिसाब से और इस टाइम पे ये कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, यहाँ पे आपको बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस नेकबैंड का ऐसे डिसेंट सा पैकेज मिल जाएगा, फ्रंट में साफ साफ मेंशन है, इसमें आपको बीस्ट मोड गेमिंग मोड मिल जाएगा, 50 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलेगा और सिंगल चार्ज, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। और बैक साइड में यहाँ पे मेंशन है IPX7 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, वॉइस असिस्टेंट फीचर, फास्ट चार्जिंग। एंड बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क, 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड मिल जाएगा, यूजर मैनुअल, बोर्ड का ब्राउचर और साथ ही में इसमें आपको फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी दिया गया, अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक आईएमए बोर्ड हेड का स्टिकर मिल जाएगा, साथ ही में एक टाइप सी का चार्जिंग केबल मिलेगा टू चार्ज योर नेक बैंड, और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे हमेशा की तरह ईयरटिप्स मिल जाएंगे, कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग, पूरी यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल मिलने वाली नेक बैंड की, इसको आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो प्लास्टिक दी गई है यहाँ पे क्वालिटी डिसेंट आपको मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और इन दोनों बॉक्सेस में यहाँ पे आपको बैटरी दी गई है ताकि मैसिव प्ले टाइम आपको प्रोवाइड कर पाए, पतली सी आपको वायर्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको अलग से बॉक्स मिलने वाला है जिसमें आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में। और साइड में आपको एक छोटा सा कवर मिल जाएगा, इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है, यहाँ से अपने अपने नेकबैंड को चार्ज कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको मिलने वाला है बर्ड्स, प्रॉपर आपको मेटल फिनिश के बर्ड्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा ईयरफिन्स भी दिए गए हैं ताकि कानों में सिक्योर तरीके से आपको सिक्योर फिट प्रोवाइड कर पाए। एंड यहाँ पे आपको दोनों में ही बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्रॉपर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक लॉक्स मिलने वाला है, ऐसे कोई स्पेशल फीचर तो नहीं है, ऑन ऑफ का फीचर नहीं दिया गया, सिंपली यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिल जाएंगे। एंड प्रॉपर तरीके से अगर आप नेक पे प्लेस करेंगे, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से, ईयरफिन से लॉक करेंगे कानों में, तो बिल्कुल सिक्योर फिट प्रोवाइड करते हैं, काफी लाइट वेट नेकबैंड भी है, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं बाहर की नॉइज भी कैंसिल कर रहे हैं नेकबैंड लगाते से ही, अगर आप हैवी वर्कआउट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई सी भी एक्टिविटी करते हैं, गिरने के चांसेस नहीं है, बड़ी आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा नेकबैंड के थ्रू। तो यहाँ पे आपने देख लिया जो फीचर्स मेंशन किए गए हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, जो बॉक्स में फीचर्स मेंशन किए गए साफ साफ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, एनहांसमेंट साफ साफ यहाँ पे दी गई है बैटरी पार्ट को लेके भी, बीस्ट मोड को लेके भी, ब्लूटूथ वर्जन को लेके भी, और जो बिल्ड क्वालिटी बाकी आपको सब सेम मिलने वाली है, ऐसे कोई यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और लुक एंड फील में कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है। और इसमें आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फुल बटन कंट्रोल्स, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं ओवरव्यू ले लीजिए। जो बीच वाला बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा, माइनस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्लस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्लस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। एंड बीच वाले बटन को अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप कमांड्स दे सकते हैं। एंड बीच वाले ही बटन को अगर आप यहाँ पे 2 बार प्रेस करेंगे, डबल प्रेस करेंगे, जो लास्ट नंबर है वो रीडायल हो जाएगा, इस हिसाब से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉल रिजेक्ट करने के लिए बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर बीच वाले बटन को यहाँ पे अगर आप ट्रिपल प्रेस करेंगे, 3 बार प्रेस करेंगे तो गेमिंग मोड में, बीस्ट मोड में एंटर कर जाएगा, फिर से ट्रिपल प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को, म्यूजिक मोड में एंटर कर जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे, कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल प्रेस कर देंगे इसी बटन को, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आपका किसी का कॉल आ रहा है आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट नहीं करना है, बीच वाले बटन को 2 सेकंड्स के लिए आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, कॉल डायरेक्टली आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अब हम करेंगे बीस्ट मोड ऑन करके, गेमिंग मोड ऑन करके गेमिंग टेस्ट, ताकि हमको अंदाजा लग जाएगा लेटेंसी आपको कितनी मिलने वाली है। Enemy in sight. Changing mag. Cover me.
यार मैंने बीस्ट मोड ऑन करके कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था। साफ साफ जो लेटेंसी आपको काफी तक कम मिलने वाली है, आप बोल सकते हैं 50-60 मिलीसेकंड के आसपास आपको लेटेंसी मिलने वाली है। आपको ऐसा ज्यादा बिल्कुल लैग फील नहीं होने वाला है, लाउड आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। गेमिंग के टाइम पे लेफ्ट राइट का सेपरेशन भी बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, एनिमीज कहाँ से आ रही है, एक्जैक्टली फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं। इसको आप डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। गेमिंग पार्ट को लेके, इसके बीस मोड को लेके मैं काफी तक इंप्रेस हुआ हूँ। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको मिलने वाला है 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं। मेनली अगर आपको मतलब है थोड़ा बहुत एनहेंसमेंट चाहिए बेस पार्ट को लेके, इसमें आपको काफी अच्छे बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। लगेगा हल्के हल्के कानों से, हल्के हल्के कभी कभी ये जब बेस इफेक्ट ज्यादा आएंगे तो लगेगा कानों से उचक भी रहे ये बर्ड्स। बेस आपको बढ़िया मिलने वाला है इसमें, लेकिन जब बेस थोड़ा बहुत ज्यादा दिया गया तो आप बोल सकते हैं वोकल की क्लैरिटी आपको फुल वॉल्यूम पे हल्की फुल्की डगमगाई लग सकती है। अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, बैलेंस आप बोल सकते हैं म्यूजिक और बेस का आउटपुट मिल जाएगा। फुल वॉल्यूम पे लगेगा कि थोड़े बहुत वोकल से सरप्रेस कर रहे हैं, मतलब जो बेस से सरप्रेस कर रहा है वोकल्स को, लेकिन बाकी आपको डिटेलिंग अच्छी मिल जाएगी म्यूजिक पार्ट को लेके। लेकिन थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि वोकल से क्लैरिटी पे थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। और अगर हम बात करेंगे कॉलिंग की, मैंने आउटडोर कंडीशन में बातें की हुई है, रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है इसके थ्रू। हेलो, हाँ रिक्शा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हुई हूँ। अच्छा, अरे अभी मेरे पास ना एक बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस नेकबैंड के न्यू वर्जन है, ये अपग्रेडेड वर्जन आ चुके हैं, तो मैं उनसे लगा के बातचीत कर रहा हूँ आउटडोर कंडीशन में। मेरी आवाज कैसी आ रही तुमको? आवाज तो समझ में आ रही है, क्लियर समझ में आ रही है, लाउडनेस भी अच्छी है, वोकल्स भी क्लियर है काफी। और बैकग्राउंड नॉइस? हाँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड एक्टिविटी पता चल रही है 20-30%, और विंड नॉइज का ऐसा कुछ मतलब पता नहीं चला, अगर आउटडोर कंडीशन में हो तो उसमें विंड नॉइज इतनी आ नहीं रही है, मुझे बैकग्राउंड की एक्टिविटी पता चल रही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हो? 80% कह सकती हूँ, 70-80%। अच्छा। हाँ, अच्छे से फोकस्ड है। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हाँ बाय। कॉलिंग इसमें आपको इंडोर कंडीशन में तो बढ़िया मिल जाएगी, आउटडोर कंडीशन में भी अच्छी कॉलिंग मिल जाएगी। लाउड तरीके से सामने वाला जो वोकल्स है काफी लाउड दिए गए, सामने वाला फोकसली आपको सुन पाएगा, आप भी नेकबैंड के थ्रू सामने वाले को बिल्कुल फोकस तरीके से सुन पाएंगे। लेकिन ये काफी हद तक आउटडोर कंडीशन में बैकग्राउंड की नॉइस कैच कर लेता है, लगभग आप बोल सकते हैं 20-30% ये बैकग्राउंड एक्टिविटीज कैच कर लेता है। लेकिन आप बात करेंगे आपकी वोकल्स पे तो फोकस रहेगा, क्योंकि वोकल्स काफी लाउड दिए गए हैं। इंडोर कंडीशन में बढ़िया कॉलिंग, आउटडोर कंडीशन में बैकग्राउंड की नॉइस को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत फेस हो सकती है अगर आप ट्रैफिक कंडीशन में है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8/10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 9/10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8/10 आप बोल सकते हैं, और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9/10। दीज आर द रेटिंग्स ऑन टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपए के आसपास, और देखा जाए साफ साफ आपको एनहांसमेंट मिलने वाली है। भले आपको ऑनलाइन में जो फीचर्स दिखा रहा हो कम आपको फीचर्स दिखा रहा हो, लेकिन अगर आप ऑर्डर करेंगे अमेजॉन से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको लेटेस्ट अपग्रेडेड मिलने वाला है वर्जन बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस का। बाकी मैंने आपको इसके सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, आप में डिसीजन मैटर करता है इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं, और ऑफर्स या डील्स में इसको अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 रुपए भी ग्रैप कर सकते हैं। मैंने सारे के सारे लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके एक बार देख सकते हैं इसका करंट प्राइस। अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, I will try my best to help you out with that. So this was all about the unboxing, reviews, ratings, calling test and gaming test of the upgraded, you can say, Boat Rockers 255 Pro Plus neckband. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.